यस आर लाइव नाउ। नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चन साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो बाद में चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलते हैं। छद्म परिपक्वता काल होता है, छद्म परिपक्वता काल कौन से काल को कहा जाता है? ए ऑप्शन किशोरावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यकाल, ऑप्शन डी उत्तर बाल्य अवस्था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? आप सही जवाब दीजिए। ओके, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पूर्व बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल को छद्म परिपक्वता बोलते हैं। शीडो मैच्योरिटी होती है, शीडो मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर की रुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आनुवंशिकी, बी ऑप्शन वातावरण, सी ऑप्शन आनुवंशिकी एवं वातावरण, डी ऑप्शन आनुवंशिकी एवं वातावरण। तो इसका सही आंसर होगा आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों, और ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरटीई 2009 के अनुसार, राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 140 है, तो वहाँ पर कितने शिक्षक होंगे? अगर एक विद्यालय में 140 बालक है तो वहाँ पर कितने शिक्षक होंगे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी में 5 से ज़्यादा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए पर 5, इसमें सही आंसर है 5 शिक्षक वहाँ पर होंगे, 5 शिक्षक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ? आरटी राइट टू एजुकेशन 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 मार्च 2010 को, 1 मई 2009 को, 2 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 2010 से आरटी 2009 को लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मूल्यांकन का प्रकार की बात हो रही है तो कौन सा नहीं है? देखो, कौन सा नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE। तो दोस्तों, इसमें निर्माणात्मक होता है, योगात्मक होता है, CCE होता है, लेकिन मानक नहीं होता। तो ऑप्शन इसका एक नंबर का राइट हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है, नहीं पे ध्यान देना ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव। कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है? त्रिकोण के भाग कौन कौन से हैं? अधिगम अनुभव भी है, मूल्यांकन भी है, शैक्षिक उद्देश्य भी है, लेकिन शिक्षण अनुभव नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण अनुभव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से ये कर लिया अपने सिक्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑप्शन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? ऑप्शन है इसके कोठारी आयोग, NCF 2005, NP 1986 और NCE 2000 का, NCF 2000 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा NPE 1986। ये NPE 1986 का परिणाम था। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन
1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देता है, एनसीएफ 2005 किस पर सबसे ज्यादा जोर देता है? इसके ऑप्शन है, करके सीखना, रटने पर, समस्या हल करने पर, अथवा उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है? उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है? चिंतन कौशल, भावनात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तो इसका सही जवाब होगा चिंतन कौशल, चिंतन का उद्देश्य। ये जो चिंतन उद्देश्य है यह शिक्षण का प्रकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक का कक्षागत व्यवहार कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण निर्माण करता है, शिक्षक का कक्षागत व्यवहार कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण कौन सा करता है? ऑप्शन है इसके, निर्देश देना, व्यंग्य करना, डांटना और विचारों को स्वीकार करना। देखो निर्देश भी बच्चों को देने नहीं है कक्षा में, निर्देश तो देने नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट। व्यंग्य करना है नहीं, ये भी नेगेटिव पॉइंट। डांटना है नहीं, ये भी नेगेटिव पॉइंट। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट तो एक ही बचा, विचारों को स्वीकार करना। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी पर, विचारों को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र नहीं है, इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? पूर्ण सेंस की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहाँ था अज्ञात से ज्ञात की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये दोनों तो सही है। इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है, ये नहीं है जो इसमें होगा, सी ऑप्शन, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये शिक्षण सूत्र नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक चर होता है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक कौन सा चर होता है, आश्रित चर होता है क्या, स्वतंत्र चर होता है क्या, मध्यस्थ चर होता है क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो केवल शिक्षण प्रक्रिया के तीन ही चरण होते हैं, आश्रित, स्वतंत्र और मध्यस्थ। ऑप्शन डी तो कभी नहीं होगा। अब शिक्षक होता है स्वतंत्र चर होता है दोस्तों, शिक्षक कौन सा चर होता है? ऑप्शन बी, स्वतंत्र चर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम कौन सा चर है? अब पहले शिक्षक की बात हुई थी, अब पाठ्यक्रम की हो गई, तो ये स्वतंत्र तो होगा नहीं, क्योंकि स्वतंत्र तो शिक्षक होता है। स्वतंत्र कौन सा होता है? शिक्षक होता है, ये तो होगा नहीं, ये तो शिक्षक हो गया। चलो यही देखते हैं, शिक्षक स्वतंत्र चर। इसके बाद आता है आश्रित चर, आश्रित चर कौन सा होता है? आश्रित चर होता है पाठ्यक्रम। सॉरी दोस्तों, एक बार मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम कौन सा चर है? शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम कौन सा चर है? इसमें शिक्षण, ओके, स्वतंत्र चर कौन सा था? शिक्षक, यहाँ लिख देते हैं शिक्षक। इसके बाद आता है आश्रित चर, आश्रित चर होता है छात्र, और जो मध्यस्थ चर होता है वो होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम होता है, शिक्षण प्रक्रिया का मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है,
दोस्तों व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? प्रतिगमन, शोधन, बाधा निराकरण, निराकरण प्रक्षेपण। प्रतिगमन क्या होता है, शोधन क्या होता है, बाधा निराकरण क्या होता है और प्रक्षेपण क्या होता है, उनको अगर आप जानते होंगे इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट जवाब दे देंगे। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, इसमें सीधा उपचार किया जाता है कि कौन सी बाधा मार्ग में बाधा बन रही है, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही, बाधा निराकरण प्रत्यक्ष विधि है। ये तो अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है, कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, दमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपके अनुसार क्या होगा ये बताने की, इसका सही जवाब होगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। हाँ दोस्तों, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन इसका सही जवाब होगा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ओके